मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर लिया था, उसके आगे शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज अपन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा आराम से धैर्य से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइन 2 कॉस इनवर्स देन कॉट 2 टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं। साइन 2 कॉस इनवर्स कॉट 2 tan inverse x is equal to 0, ये अपना क्वेश्चन है। तो हमको करना क्या है, जितने भी क्वेश्चन चल रहे हैं कल की वीडियो से, मैंने पार्ट नंबर 6 से जो एक्सप्लेन करना शुरू की, वो सारे के सारे इक्वेशन को सॉल्व करने के बारे में है। मतलब कि हमको जो यहाँ पे अननोन वेरिएबल है, अज्ञात राशि है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अपन कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें ऐसी सीरीज बन रही है, जैसे मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, इसके बाद में एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, फिर इसके बाद में मान लो फिर वापस ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ गया, और यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है। मान लो ये सीरीज और ज्यादा लंबी भी हो सकती है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑल्टरनेटिवली एक बार ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। तो जब कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन बनता है जिसमें अल्टरनेटिवली ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे, उस क्वेश्चन को हम इस साइड से सॉल्व करना शुरू करते हैं, नहीं कि इधर से सॉल्व होते होते इधर आएगा। और इधर भी सबसे पहले लास्ट के जो दो फंक्शन है उन पे ध्यान दिया जाए, सबसे पहले लास्ट के दो फंक्शन पे। तो यही मैं यहां करने वाला हूं। देखो आप, सबसे पहले आप ये लास्ट के जो दो फंक्शन है इन पे ध्यान दें। तो सबसे पहले तो आप ये देखो, यहाँ है 2 tan inverse x। तो हमने पढ़ा है 2 tan inverse x के तीन फॉर्मूले होते हैं, तो उसमें से कौन सा लगाना बेहतर होगा, यहाँ पे इसके बाहर की साइड cot लिखा हुआ है, तो अच्छा होगा कि हम इसको tan inverse के पदों में फॉर्मूला लगा लेते हैं, और फिर उस tan inverse को आसानी से cot inverse में कन्वर्ट किया जा सकता। वैसे तो 2 tan inverse x के तीन फॉर्मूले होते हैं, sin inverse में भी होता है, cos inverse में भी होता है, और tan inverse में भी, लेकिन बेटर होगा हम यहां किस में लगाएं, tan inverse में। तो चलिए अप्लाई करते हैं। उम्मीद है फॉर्मूले अब तक आपने याद कर लिए होंगे। यहां पर 2 tan inverse x का मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब यहां बाहर cot है, तो मैंने आपको पहले पेपर में क्वेश्चन करा है, जैसा बाहर होता है वैसा ही अंदर अपन बना लेते हैं, जिससे ये पार्ट यहां से रिमूव हो जाता है। तो इसको cot इनवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो जब आप tan इनवर्स को cot इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो अंदर की जो वैल्यू है वो उल्टी हो जाएगी। वैसे तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन tan इनवर्स cot इनवर्स फॉर्मूले से बदला जा सकता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। आप जब जरूरत होगी पाइथागोरस की तो अपन अप्लाई करेंगे वहां पे cot। इसको हम यहां पे जैसे हमने इसको cot इनवर्स लिखा, क्या होगा, ये रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा। अब ये वाला पार्ट तो यहां से रिमूव हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा अपने पास, साइन cos इनवर्स, ये यहां से हट गया है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे क्या करना है, देखो आप, ये साइन यहां पे 2 लिखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं सारे के सारे एंगल ही होते हैं, तो इसको मैं थीटा की तरह मान लेता हूं। तो ये क्या बन गया फिर, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अपन यहां अप्लाई कर देते हैं, क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वो फॉर्मूला अपन यहां अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा, थीटा
थीटा मैंने इसको माना है, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, 2 साइन थीटा। अब क्या आएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह अगेन ये आने वाला है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप देखो कि ये वाला जो है ये पार्ट तो रिमूव हो जाएगा, कॉस के आगे कॉस इनवर्स आ रहा है तो ये पार्ट तो इजीली रिमूव हो जाएगा। यहां की अगर बात करी जाए तो यहां साइन है, तो जैसा बाहर है वैसा ही अंदर बनाना होता है, तो यहां हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। उसका तरीका मैंने आपको बताया था, पहले एक बार अपन इसको हटा देते हैं। अच्छा ये 2 है, इसको भी आप हटा सकते हो, ठीक है, तो ये यहां से ऐसा मिल जाएगा आपको साइन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और यहां से आ गया ये आ जाए। अब आप देखिए इसको हम साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज होगी, ये आपने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ठीक है, ये हाइपोटेनस कर्ण, बेस यानी आधार, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। अब कॉस इनवर्स के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस की होती है, तो ये तो बेस हो गया आधार, और ये हाइपोटेनस यानी कर्ण हो गया 2x, तो बाकी क्या रह गया, परपेंडिकुलर रह गया, लंब बाकी रह गया, वो कैसे निकालोगे आप, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, लंब बराबर रूट में कर्ण, हाइपोटेनस से मेरा मतलब है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब यहां पे आप वैल्यू लगा दो, देखो आप इसका स्क्वायर करोगे 4x स्क्वायर हो जाए, माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करके लिखता हूं मैं 1, फिर x की घात 4 माइनस 2x स्क्वायर, तो क्या वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर की, देखिए जरा, माइनस 1 माइनस x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी 6x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 1, ये परपेंडिकुलर की वैल्यू आएगी, कोई दिक्कत नहीं, जो भी आ रही है जैसी रूट में जो आएगी उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो अब इसके बेस पे अपन यहां कन्वर्जन करते हैं, क्या होगा देखो बेटा साइन, अब हम चाह रहे हैं कि बाहर साइन है तो अंदर साइन इनवर्स हो जाए, तो लिख दीजिए एक बार आप, अब साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू क्या होगी, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर ये ना रूट में 6x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन हाइपोटेनस यानी कर्ण यानी 2x, ये आ जाएगा, ठीक है, और ये जैसा है वैसा लिखा रहने दे इसको, इक्वल्स टू 0, ये कन्वर्जन अलग से हमने दर्शा दिया। अब यहां पे भी क्या होगा, ये वाला पार्ट भी रिमूव हो जाएगा, तो ये रह जाएगा रूट में 6x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 1, 1 माइनस x स्क्वायर, और ये दोनों जब ये और ये मल्टीप्लाई होगा तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू 0 के इक्वल है। अब ये वैल्यू तो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगी तो नॉट डिफाइंड वैल्यू हो जाएगी, तो अगर इसको जीरो होना है तो न्यूमरेटर को जीरो होना पड़ेगा, यानी अंश को जीरो होना पड़ेगा, तो इसके अगले स्टेप में हम लिखेंगे ये जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। रूट 6x स्क्वायर माइनस x की पावर 4 माइनस 1, 1 माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखो कोई भी दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन, दो पदों का गुणा अगर जीरो है तो वो तभी संभव है जब उनमें से किसी एक पद की वैल्यू जीरो, कम से कम या तो ये जीरो होना चाहिए या फिर ये जीरो होना चाहिए, हमको तो पता नहीं है कि कौन सा जीरो है, तो हम एक बार इसको जीरो मान के सॉल्व कर लेंगे, एक बार इसको जीरो मान के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
तो मैं इससे स्टार्ट करता हूं कि यदि रूट 6x² - x^4 - 1 = 0। अब इसको हमको सॉल्व करना है। सबसे पहले रूट आए, स्क्वायर कर दें, 6x² - x^4 - 1 = 0। ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, मतलब जैसे क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती है, बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होती है, लेकिन उसमें x का पद नहीं आएगा, यानी x की घात 4 आ गई, फिर 3 वाली घात नहीं मिलेगी, फिर 2 आ गई, फिर 1 वाली घात नहीं मिलेगी, यानी कि x की वही घातें मिलेंगी जिसमें केवल घात सम है। तो इसको भी द्विघात समीकरण की तरह, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व किया जा सकता है। थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं पहले, ये सारी वैल्यूज में उधर ट्रांसफर कर दूं, या तो इसी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। तो सबसे पहले ये वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करा, फिर -6x² + 1 = 0। फिर भी बाई क्वाड्रेटिक समझने में अगर किसी किसी को प्रॉब्लम हो तो हम इसको बिल्कुल प्योर क्वाड्रेटिक की तरह लिखना चाहें, तो मैंने यह लिख दिया लेट x² = y। उससे क्या, x² को y माना तो ये तो हो गया y² - 6y + 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक की तरह लग रहा है, तो आप इसको सॉल्व कर लो। देखिए इसके फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, आप देख सकते हो। तो हम इसमें बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधराचार्य सूत्र यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या फॉर्मूला है बाई क्वाड्रेटिक वाला, द्विघात वाला फॉर्मूला ये है, 9th-10th क्लास से आप पढ़ते आ रहे हो। इसमें वैल्यू लगाना शुरू करते हैं, -b यानी कि 6 हो गया, +√b² - 4a यानी 1, c यानी 1, तो ये आएगा अपॉन 2a, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 प्लस माइनस ये कितना हो गया 32 डिवाइडेड बाई 6 प्लस माइनस, इसको आप लिख सकते हो 16 × 2, 16 × 2, 16√12 आ जाएगा 4। अब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहां तो दोनों जगह, यहां ऊपर से 2 कॉमन भी ले सकते हैं, तो 3 प्लस माइनस 2√2, ये किसकी वैल्यू आ गई, वाई की। लेकिन हमको वैल्यू वाई की नहीं निकालनी है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स की निकालनी है। तो हमने वाई किसको माना था भाई, x² को माना था, तो मैं वाई की जगह वापस x² रख देता हूँ। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, देखें x² = 3 ± 2। अगर एक्स की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो इधर की साइड में रूट आ जाएगा, तो ये √3 ± 2। तो वैसे तो एक्स की वैल्यू आ गई है यहां से, फिर भी इसको भी थोड़ा फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, इस रूट को भी हम हटा सकते हैं। अच्छा ये रूट कैसे हटेगा, जब अंदर कोई होल स्क्वायर की टर्म बन जाए तो हमको फिर इस बारे में सोचना है कि इसको होल स्क्वायर कैसे बना सकते हैं। देखिए आप, ये जो 3 है इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 + 2 लिखा जा सकता है, इसको जैसा है वैसा ही लिखा रहने दे। ऐसा करने से क्या होगा, ये आप देखो, जैसे ये तो 1 का स्क्वायर है और ये √2 का स्क्वायर है। एक बार मैं दोनों चिन्ह यूज नहीं कर रहा हूँ समझाने के लिए, केवल एक चिन्ह यूज कर लेता हूँ, प्लस मैंने यूज कर लिया। ऐसे ये 1 का स्क्वायर, ये √2 का स्क्वायर, प्लस लिया यहां से 2। अब आप इन तीनों पदों को देखोगे तो किसका और स्क्वायर बन रहा है, ये बन रहा है 1 + √2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो अगर मैंने यहां माइनस यूज करा होता तो ये 1 - √2 का होल स्क्वायर बनेगा। तो ऐसे करके हमने इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया है। अब आप देखो, एक्स की वैल्यू निकालोगे तो ये होल स्क्वायर यहां से हटेगा, तो एक तो प्लस माइनस आ जाएगा, रूट से बाहर, हम जैसे रूट में 4 है तो बाहर निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 आता है, एक तो प्लस माइनस आ जाएगा और एक ये आ जाएगा 1 + √2। तो ये यहां से एक्स की एक वैल्यू तो भी यही आ जाएगी, है ना। और यहां पे थोड़ा समझने के लिए अगर आपको स्लो चाहिए तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, वीडियो को पॉज करें, आराम से धीरे धीरे समझें, ठीक है। तो ये एक्स की वैल्यू आ गई,
अब मैंने क्या किया था, यहाँ पे थे अपन, इसको मैंने जीरो के इक्वल माना और फिर सॉल्व किया तो ये x की वैल्यू आएगी। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि ये भी जीरो हो सकता है, मैंने कहा था इन दोनों में से कोई एक जीरो होना चाहिए, हमको पता नहीं कौन सा जीरो है, तो एक बार हमने इसको जीरो माना, अब एक बार इसको जीरो मान लेते हैं। यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो यहां से इस क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन अपने पास ही आ जाएंगे, ये आंसर हो जाएंगे। तो आराम से वीडियो को पॉज करें, नोट करें और एक एक चीज आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं अपन, आप घर पे खुद से ट्राई करें, और किसी क्वेश्चन अगर आप वास्तव में घर पे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आती है, तो जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में उसके बारे में लिख सकते हैं और वहां से हम देख के उस क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करवा देंगे। तो मैं 25 पे जंप कर रहा हूँ, 24 आसान क्वेश्चन है जिसमें tan इनवर्स x + tan इनवर्स y के फॉर्मूले लगाने होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 अपना क्या है, देखिए, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3। ये एक इक्वेशन तो ये गिवन है हमारे, दूसरा गिवन है कॉस इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। ये हमारे को दो इक्वेशन दी हुई है और अपन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब यहां पे अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए उसमें एक ही वेरिएबल था x, यानी एक ही अननोन वैल्यू थी, इसमें दो है x एंड y, तो दोनों की वैल्यू हमको निकालनी पड़ेगी। तो कैसे करेंगे, देखो ये वाली इक्वेशन तो साइन इनवर्स में लिखी हुई और ये वाली लिखी हुई कॉस इनवर्स में, तो इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा होगा कि हम दोनों को सेम सा बना लें, या तो दोनों को साइन इनवर्स बना लो या दोनों को फिर कॉस इनवर्स बना लो, किसी एक को चेंज कर लो फिर, जैसे मैं इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो फिर इसको नहीं छेड़ूंगा, इसको कन्वर्ट कर दूंगा इसको नहीं छेड़ूंगा। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखो आप हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 2π/3, तो यहां से अगर मैं साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालता हूं तो वो हो जाएगी 2π/3 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, लिखा हुआ है साइन इनवर्स 2x और आपको अगर इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स 2x, और इसका उल्टा भी ट्रू है, लिखा हुआ मान लो कॉस इनवर्स 4x और आपको इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो 5/2 माइनस साइन इनवर्स 2x, ठीक है, ऐसे हम अप्लाई कर सकते। तो ये चीज मैं यहां दोनों जगह अप्लाई करूंगा, इस इक्वेशन नंबर 1 को ही मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो ये साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x की वैल्यू 5/2 माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। उसी हिसाब से अगर मैं साइन इनवर्स y की वैल्यू लिखूं, जैसे यहां अगर y होगा तो 5/2 माइनस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 2π/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले, तो देखो ये दोनों माइनस के हैं, इन दोनों को तो उधर ले जाते हैं, इन दोनों को इधर ले जाओगे तो ये तो प्लस के हो जाएंगे, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई हो जाएगा, 5/2 और 5/2 मिलकर कितने हो गए पाई, और 2π/3 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो cos inverse x plus cos inverse y
इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई बाई थ्री आ जाएगा। ठीक है, इस इक्वेशन नंबर वन को हमने कन्वर्ट कर लिया कॉस इनवर्स। अब इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को। ये अलग इक्वेशन नंबर वन है, थोड़ा अपने कन्वर्जन कर लिया इसका, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर थ्री नेम दे देता हूं। थ्री को और टू को सॉल्व करेंगे। अब कैसे करें, जो एलिमिनेशन मेथड होता है आपका, विलोपन विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसको यूज करो। तो जैसे यहां माइनस का कॉस इनवर्स वाई है, यहां प्लस का कॉस इनवर्स वाई है, तो इसको अगर एलिमिनेट करना है तो मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, एड करूंगा। तो यहां पर मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर टू प्लस इक्वेशन नंबर थ्री। तो एक बार एडिशन में लिखना है, पहले इक्वेशन नंबर टू लिख देता हूं, ये तो इक्वेशन नंबर टू होगी और ये इक्वेशन नंबर थ्री होगी, सॉरी टू ये थी, हाँ ये इक्वेशन नंबर थ्री होगी। ऐसा हो गया। अब दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो ये तो हो गया कैंसिल, cos inverse x plus cos inverse x क्या हो गया 2 cos inverse x, pi by 3 plus pi by 3 कितना हो गया 2 pi by 3, 2 से 2 क्या हो गया cancel। अब इस cos inverse को इधर ले जाओ, x is equal to cos pi by 3, cos pi by 3 की वैल्यू कितनी होती है 1 by 2 होती है, तो x की वैल्यू तो हमको मिल गई कितनी 1 by 2। अब y की निकालनी है, ये जो x की वैल्यू आई है चाहे तो यहां लगा दो, चाहे तो यहां लगा दो, चाहे तो यहाँ कहीं भी अप्लाई कर सकते हो आप, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, x का मान समीकरण नंबर दो में रखने को, तो यहां लगाते हैं अपन cos इनवर्स 1 by 2 माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई। अब इसको सॉल्व करना, सबसे पहले यही सिखाया जो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो इसी तरीके से क्या करना है, ये cos इनवर्स है, यहां आप लिखोगे cos पहले, ठीक है, फिर ये प्लस है, तो प्लस जब होता है किसी भी इनवर्स फंक्शन के अंदर की वैल्यू अगर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट यूज होता है और वहां पे हम एंगल को थीटा की तरह लिखते हैं, ठीक है। तो थीटा कितना है 1 by 2 के लिए, थीटा कितना है पाई बाई 3। तो ये तो यहां से हट जाएगा, तो पाई बाई 3 माइनस कॉस इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3, ये कैंसिल हो गया, कॉस इनवर्स y की वैल्यू 0, y इज इक्वल टू कॉस 0, y इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू तो 1 बाई 2 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है उसमें टोटल 25 क्वेश्चंस ही हैं और हम क्वेश्चन नंबर 25 तक पहुंच चुके हैं। इस दौरान मैंने कुछ 5-7 क्वेश्चन छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, वो आपको सॉल्व करने हैं, फॉर्मूले लर्न करो, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालें और हम उस क्वेश्चन को यहाँ जरूर सॉल्व करवाएंगे। ये तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। अब आपके इसके लास्ट में बुक में हर चैप्टर के पीछे विविध प्रश्नावली करके एक और प्रश्नावली दी हुई है, मिसेलेनियस एक्सरसाइज, वहां पे हमने चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा होता है उस सारे कंसेप्ट के मिक्स में क्वेश्चन एक जगह डाले होते हैं, तो वो क्वेश्चन हम करना शुरू करेंगे अब, ठीक है। इसके आगे अब मिसेलेनियस एक्सरसाइज विविध प्रश्नावली अपनी शुरू होती है। देखें आप, अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं विविध प्रश्नावली टेक्स्ट बुक। मिसेलेनियस एक्सरसाइज देखो, मिसेलेनियस एक्सरसाइज में कुल जमा आई थिंक 16-17 क्वेश्चन है इसमें, 21 क्वेश्चन है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस तो इजी हैं और वही हैं जो अपन ने चैप्टर के दौरान पढ़ लिए हैं। तो मैं आपको कौन से क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं छोड़ रहा हूँ आपको खुद से करने, प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो
चलिए वी टेक क्वेश्चन नंबर 11। 1 to 10 तक के जो क्वेश्चन दे रखे हैं बुक में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और उनके एक एक लाइन के सॉल्यूशन है, तो उनको आप खुद से करें, ठीक है? प्रॉब्लम को जरूर बता दें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? गिवन क्या है हमारे को कि यदि 4 sin inverse x + cos inverse x = π, तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। वही है जैसा हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे। एक इक्वेशन गिवन है, इस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? देखो आप, ये cos inverse x, तो मैं काम करता हूं यहां 4 sin inverse x, तो 1 sin inverse x इसको दे देता हूं, यानी कि ऐसे लिख लेता हूं इस इक्वेशन को, 3 sin inverse x + sin inverse x लिख सकता है ऐसा। ऐसा करने से क्या होगा, ये दोनों मिलके फॉर्मूला बना लेंगे। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई टू होता है। 3 sin inverse x + π/2 = π, तो 3 sin inverse x = कितना हो गया, π/2। तो sin inverse x = क्या हो जाएगा, π/6। x = sin π/6, x = 1/2। ये क्वेश्चन नंबर 11 छोटा सा सॉल्यूशन, और इससे पहले वाले क्वेश्चन उसके सॉल्यूशन भी सेम छोटे हैं। देन लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, चलो मैं इरेज कर देता हूं, आप पॉज करके इसको लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos pi by 2 plus sin inverse 1/3। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो आप देख, अगर हम देखें कि चलो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, जैसे हम साइन इनवर्स, हमने क्वेश्चन करे हैं साइन इनवर्स 1/2 निकालना है, साइन इनवर्स √3/2 निकालना, निकाल सकते, बट इसकी हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हम अभी क्या करेंगे, जैसे यहाँ साइन इनवर्स को मैं कहूँ, चलो इसके आगे साइन लिखो आप, फिर हमको थीटा पता करना पड़ेगा, तो 1/3 में साइन का थीटा हमको पता नहीं है कितना है, तो ये तरीका इसमें काम नहीं करेगा। तो इसमें एक काम करो, मैंने अपन ने पढ़ाया कि जितने भी इनवर्स फंक्शन है वो एंगल का काम करते हैं, इसको मैं थीटा मान लेता हूँ, ठीक है? तो अब ये थीटा मानने से क्या हुआ, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा। तो पाई बाई टू के कारण कॉस कन्वर्ट हो गया साइन में, साइन थीटा आ गया पहली बात तो, लेकिन पाई बाई टू प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड में कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होगा। अब ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर दो, cos pi by 2 plus theta is equal to minus sin theta, theta की जगह क्या आएगा, sin inverse 1/3 आएगा। अब ये पार्ट तो यहां से रिमूव हो जाएगा और इजीली आंसर इसका कितना आ जाएगा, माइनस का 1/3 आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन अगर आप लें, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, साइन इनवर्स 3/4 + sec inverse 4/3 = x, और हमको जो है यहां से x की वैल्यू निकालनी है। तो अभी देखो इन दोनों को अगर देखें तो इनमें दोनों में तो कोई क्लब करके कोई फॉर्मूला बनता नहीं, लेकिन आप एक काम करो, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ 3/4 और यहाँ 4/3 है, तो इन दोनों को सेम बनाना चाहूं तो मैं इस sec inverse को मैं cos inverse में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जैसे इसको मैं cos inverse में कन्वर्ट करूंगा, ये उल्टा हो जाएगा, sin inverse 3/4 plus cos inverse, ये हो गया 3/4। अब यहां ये फॉर्मूला कौन सा, अगर इसको x की तरह माना जाए
तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई टू होती है, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई टू हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू पाई, यानी कि हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसमें जरूरी नहीं है कि यहां एक्स आएगा, इसका मतलब दोनों जगह सेम वैल्यू आ जाएगी, तो पाई बाई टू हो जाएगा, दोनों जगह टू एक्स है तो भी पाई बाई टू, दोनों जगह फाइव एक्स है तो भी पाई बाई टू, दोनों जगह वन है तो भी पाई बाई टू, दोनों जगह वन बाई टू है, वन बाई थ्री है तो भी पाई बाई टू, ठीक है। अगेन छोटा सा सॉल्यूशन था, ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 15 ले लेता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, साइन इनवर्स 5 बाई एक्स प्लस साइन इनवर्स 12 बाई एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, और ये वही है, एक इक्वेशन हमको दे दिए और इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू हमको निकाल के बता दी। तो देखिए प्रथम दृष्टया को ऐसा लग रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला अपन यहाँ लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं, बट क्या होगा, आप एक चीज थोड़ा हमेशा ध्यान रखना जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन रहा है या साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन रहा है तो उसको लगाने से बचें। अगर अंदर अननोन वैल्यू कोई है, जैसे एक्स अभी अननोन है हमारे पास, तो फिर साइन इनवर्स का फॉर्मूला लगाने से हमको बचना चाहिए। इसका रीजन क्या है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला, उसमें दो रूट की टर्म आती है, कौन सी, एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर एगा भी प्लस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो दो रूट की टर्म को हटाने में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा होते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन जैसे होना था 10 मिनट में तो होगा 30 मिनट में, तो हमको टाइम भी सेव करना है और लेंथी भी नहीं होना चाहिए सॉल्यूशन। तो इसको करने का थोड़ा आसान तरीका क्या रहेगा, इन दोनों में से किसी एक फंक्शन को दूसरे साइड भेज दो, आप इसको इधर छोड़ दिया, इसको मैं इधर भेज देता हूं, 90 डिग्री का मतलब पाई बाई टू है, और आज की क्लास में अपन ने डिस्कस भी करा है कि भाई कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू होता है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कहां से आया ये, इस वाले फॉर्मूले से आया, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई, तो ऐसा अगर लिखा हुआ है पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, यहां वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह आ गया, एक्स की जगह अपन ये लगा देंगे तो कॉस इनवर्स 12 बाई एक्स आ गया, तो पहले स्टेप तो ये होगी। अब आगे क्या करें, इधर साइन इनवर्स और इधर कॉस इनवर्स, मैं और बीच में एकल लोग लगा हुआ है, अगर मेरे को दोनों साइड को कंपेयर करना है, दोनों या तो साइन इनवर्स में हो या फिर दोनों कॉस इनवर्स में हो, तो कन्वर्ट कर लो पाइथागोरस से, इसको कन्वर्ट कर देता हूं, चलो मैं पाइथागोरस के वैल्यू से इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं साइन इनवर्स में, तो तरीका क्या बताया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, समकोण त्रिभुज, हाइपोटेनस यानी कर्ण, बेस यानी कि आधार, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, तो ये किसकी वैल्यू है कॉस इनवर्स में, आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस तो 12 हो गया, हाइपोटेनस x हो गया, इसकी वैल्यू निकालनी है, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर, बेस का कितना हो गया 140, ये वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू आ जाएगी, तो यहां पे अब आप क्या लिखोगे, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का x है। अब देखो यहां भी साइन इनवर्स है और यहां भी साइन इनवर्स है, तो दोनों साइड को कंपेयर कर सकते हैं, तो
ये दोनों साइड को हम कंपेयर करेंगे तो 5 बाई एक्स इज इक्वल टू यार, तो ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी और यहां से रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 144, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13. इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 13, लेकिन ये जो माइनस 13 है ये इसका सॉल्यूशन नहीं है. ये मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी बताया था, जो लास्ट वीडियो था अपना पार्ट 6 वाला, उसमें भी ये माइनस की वैल्यूज को सेटिस्फाई नहीं करेगी. क्यों? मैं यहां जब माइनस की वैल्यू लगाऊंगा साइन इनवर्स, यहां पे लगाया माइनस 13, तो ऐसा हो जाएगा ये साइन इनवर्स माइनस 5/13. अब आप देखो हमारी स्टार्टिंग में आओ, किसी साइन इनवर्स के अंदर की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है ना. शुरुआती क्लास आप पहली या दूसरी क्लास में बताया, क्वेश्चन भी करे थे, फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल जो होता है वो माइनस थीटा होता है, तो यानी कि फिर ये माइनस का एंगल हो गया. सिमिलरली जब मैं यहां पे लगाऊंगा तो ये भी माइनस का एंगल हो गया. अब दो माइनस के एंगल मिलके प्लस का 90 कैसे बना देगा? बना ही नहीं सकता. इसका मतलब ये x इक्वल टू माइनस 13 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा. ये भी लास्ट में लिख देंगे, x इक्वल टू माइनस 13 डजंट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन. सो द ओनली सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 13. हिंदी में लिखेंगे x इक्वल्स टू माइनस 13 दिए गए समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः समीकरण का एकमात्र हल x बराबर 13 है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया. पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं. तो इसके आगे चलो क्वेश्चन नंबर 16 ले लेते हैं. अपन प्रूव करने वाला क्वेश्चन है, टू प्रूव. क्या प्रूव करना है हमारे को? साइन इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 16/65. ये क्वेश्चन है, प्रूव करके बताना है. तो प्रूव करने के लिए अपन एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं. ये हमने LHS ले लिया. अब आप देखो LHS हमने जो लिया है उसमें ये साइन इनवर्स में और ये कॉस इनवर्स में कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, तो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए दोनों को सेम होना पड़ेगा. ठीक है, तो RHS आप देखो इसका RHS साइन इनवर्स में आ रहा है, और अपने काम करते हैं दोनों को साइन इनवर्स में कर लेते हैं. ये तो साइन इनवर्स ही, इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करना है तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम में 3-4 बार में यूज कर चुका हूं. पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम किसी भी इनवर्स फंक्शन को बाकी के बचे हुए 5 इनवर्स फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे कन्वर्ट होगा देखो आप, इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं साइन इनवर्स, अभी वैल्यू चेंज हो जाती है जैसे कन्वर्ट करते हैं. ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनस बेस, परपेंडिकुलर कर्ण, आधार लंब. ये वैल्यू किसकी होगी कॉस इनवर्स में? आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, लंब बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर. तो 169 माइनस 144 5 आ जाएगा, 25 रूट 5 हो गया. तो साइन इनवर्स में वैल्यू आएगी लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. तो लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. ऐसा कन्वर्जन करने से अब यहां साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y बन गया. अभी जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन मैंने क्या कहा था कि अगर साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा है वो
और अगर अंदर अननोन वैल्यू है तो हमको फॉर्मूला लगाने से बचना चाहिए। अननोन नहीं है 3/5 तो कोई अननोन वैल्यू नहीं है, फिक्स है 3/5, तो अगर अननोन नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दो रूट आ रहे हैं सॉल्व हो जाएंगे क्योंकि वैल्यू कैसी है, न्यूमेरिकल है। तो यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू इधर ले लेता हूं जगह थोड़ी कम है, साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स एक्स रूट वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख ही रहे हो इस पे दो रूट की टर्म्स आती है, बट जब न्यूमेरिकल वैल्यू है तो सॉल्व होके रूट सॉल्व हो जाता है पूरा, अननोन वैल्यू होती है तो ये रूट रह जाता है इसके ऊपर, उसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ लगाए, देखो ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा, यहां से लगाना शुरू करें x यानी कि 3/5 रूट 1 माइनस y स्क्वायर कितना हो जाएगा 25/169 माइनस y यानी कि 5/13 रूट 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 9/25। कैलकुलेशन पार्ट है 3/5, देखिए 169 माइनस 25 144, 25 माइनस 9 16, तो साइन इनवर्स 3/5 इनटू यहां से आ गया 12/13 और यहां से आ गया 4/5। तो अगली स्टेप में हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स 36/65 माइनस 20/65 सॉल्व करोगे तो 16/65 देख सकते हो आर एच एस बी आर इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। ये इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके आगे से कुछ 4-5 क्वेश्चंस रह गए और उसमें एग्जांपल में कुछ 2-3 अच्छे एग्जांपल है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।